नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ दिव्यांग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। दिव्यांगजनों की रहने सहने की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए आवास योजना चलाई जा रही है। ये स्पेशल आवास योजना दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये ऐलान किया है कि जितने भी जो दिव्यांगजन हैं, उत्तर प्रदेश के जो दिव्यांगजन हैं, उनको आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। वैसे इस योजना का लाभ तो सभी लोगों को मिल रहा था, जो लोग सक्षम हैं उनको भी इस योजना का लाभ पहले दिया जा रहा था, लेकिन अभी हाल ही में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये ऐलान किया है कि कोई भी दिव्यांगजन आवास योजना से वंचित नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने निर्देश दिया कि जितने भी दिव्यांगजन हैं उनके घर पर जाके उनकी जांच की जाए, उनका वेरिफिकेशन किया जाए और सरकार को उनका बायोडाटा सरकार के यहाँ भेजा जाए। तो जैसा दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं भी 100% दिव्यांग हूँ और मेरे घर पे भी अधिकारी आवास योजना के संदर्भ में जांच करने के लिए आए थे और वो जांच करके ले गए हैं, लेकिन अभी इसका कोई मतलब सूचना इसकी अभी नहीं आई है, इसकी कोई लिस्ट अभी नहीं आई है। जितने भी दिव्यांगजन हैं, उत्तर प्रदेश के जो दिव्यांगजन हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी के यहाँ टीम गई रही होगी जांच करने के लिए, कोई न कोई अधिकारी उनके पास गया रहा होगा आवास योजना का लाभ उनको देने के लिए, उनके पास जो कि जांच करने के लिए अधिकारी गए रहे होंगे, लेकिन अभी तक इसकी कोई लिस्ट नहीं आई है। तो जो भी दिव्यांगजन हैं वो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, आवास योजना का जो लाभ लेना चाहते हैं, वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहें, जो उनके ग्राम प्रधान हैं, जो सेक्रेटरी हैं, BDO हैं, उनके लगातार संपर्क में रहें और उनसे कहें कि ये योजना हमारे लिए ही चलाई जा रही है और इसका लाभ हमें दिया जाए। इस योजना को देने के लिए अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं, अधिकारी दिव्यांगजनों को परेशान कर रहे हैं, कहते हैं कि जिनकी शादी नहीं हुई है उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, जिनके पास पक्का मकान है उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आप लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहें। अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं उनके यहाँ आप एप्लीकेशन लिखिए, आप उनको ये बताइए कि इसके हकदार हूँ मैं, इस योजना का लाभ लेने के हकदार हूँ मैं, इसका लाभ मुझे मिलना चाहिए। ना जाने क्यों अधिकारी दिव्यांगजनों को परेशान करते हैं और उनको किसी भी योजना का लाभ देने में आनाकानी करते हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर दिव्यांग को मिलना चाहिए, इससे कोई भी दिव्यांगजन वंचित नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी दिव्यांग तो दोस्तों जो आपकी जांच गई हुई है उसकी आप लिस्ट की जानकारी लगातार अपने ग्राम प्रधान से, अपने सेक्रेटरी से और जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हैं उनसे आप लेते रहें, अपनी लिस्ट की जानकारी लेते रहें कि आवास योजना के लिए मेरा नाम आया है कि नहीं आया है। अगर आपका नाम नहीं आता है तो आप लगातार उच्च अधिकारी, जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क करिए, उनको एक एप्लीकेशन दीजिए कि मैं विकलांग हूँ या मैं दिव्यांग हूँ और मुझे इस योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, इस योजना का लाभ लेने के मैं पात्र हूँ और मुझको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। दोस्तों योजना का लाभ लेने के लिए कुछ न कुछ आपको करना होगा। अधिकारी मुझे, मैं जानता हूँ अच्छी प्रकार से कि अधिकारी परेशान करते हैं, अधिकारी जल्दी किसी योजना का लाभ दिव्यांगजनों को नहीं देते हैं, उनको बार बार परेशान किया जाता है, जबकि ये योजना दिव्यांगजनों के लिए ही चलाई जा रही है। हर दिव्यांगजन के पास पक्का मकान नहीं है और उनकी इतनी कमाई भी नहीं है, उनकी इतनी आय भी नहीं है कि वो पक्का मकान बनवा सकें। आज महंगाई इतनी ज़्यादा है तो इस वजह से अगर दिव्यांगजनों को आवास योजना का लाभ मिल जाएगा तो उनको रहने सहने की उनकी जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो सकती है। इसीलिए सरकार इस योजना का लाभ दिव्यांगजनों को देने का फैसला किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिव्यांगजनों को देने का ऐलान किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो आप लगातार जो सरकारी अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे आप संपर्क बनाए रखें, अपने ग्राम प्रधान से संपर्क बनाए रखें और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इस योजना का लाभ हम सबको मिलेगा और इससे हमारी जो कि रहने सहने की जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।